केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम में नवादा पहुंचे। 2 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आयोजित सम्राट अशोक जयंती के कार्यक्रम में नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 30 मिनट के भाषण में कहे कि नीतीश के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार भी गिर जाएगी और हमारी सरकार आएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 5 जिलों में हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे सासाराम भी जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि वहां लोग मारे जा रहे हैं और गोलियां चल रही, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। वहां की जनता से यही से क्षमा मांगता हूं, लेकिन अगली बार वहां जरूर आऊंगा। केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर बिहार में हमारी सरकार होती तो बिहार में दंगा फसाद नहीं होता, और अगर किसी कारणवश दंगा फसाद होता तो गुनाहगार को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया जाता। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और सुप्रीमो प्रसाद लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। इनके बिहार की जनता पीस रही है, लेकिन देश की जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए लालू जी आप भूल जाओ कि नीतीश कुमार जी आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। शाह ने कहा कि लालू के बेटे नीतीश को पलटू राम और यहां तक कि गिरगिट भी कहा डाला, लेकिन नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके साथ चले गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद नीतीश बाबू और ललन बाबू को भाजपा में वापस किसी भी कीमत पर नहीं लिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार अपने जीवन में कई पार्टियां बदली हैं, कई लोगों को धोखा दिया है, लेकिन जिस यूपीए में लालू के साथ आप गए हैं उसने बिहार को क्या दिया। 2009 से 2015 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए बजट केंद्र ने दिया था और 2014 से 2019 में मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ रुपए बिहार को देने का काम किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी अयोध्या में श्रीराम का मंदिर बनने का विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह श्रीराम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत कर दी। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आज संग्रह विहार चिंता कर रहा है। नालंदा जिला का विहार शरीफ में हिंसक झड़प के कारण आग लगी है। सासाराम में आग लगी है। 2024 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए और 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। इन दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। संतोष कुमार अंजना, स्टेट हेड की खास रिपोर्ट। मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय। स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और ललन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलत फहमी में हो, नीतीश जी भी गलत फहमी में है, मगर बिहार की जनता गलत फहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है।
शाह का महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई, सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं।